ये तस्वीरें देख के आप भी जान जाएंगे कि किस तरह से लगातार जो है तीन लाशों को ढेर कर दिया। अपने घर की पत्नी, सास ससुर धनु को जो कि गोली का निशाना बनाकर जो कि मौत के घाट उतार दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं घर वालों की किस तरह से लगातार रोष प्रकट करते हुए। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये भी गुहार लगा रहे हैं कि ये जो भी है इस पर कार्रवाई हो, ताकि जिस तरह से बहू बेटियां बिहाई दी जाती हैं और खासकर अगर बात की जाए तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, सात फेरे लिए जाते हैं, लेकिन आज उन सात फेरों का कहीं ना कहीं ये टूटना ये नज़र आ रहा होगा आपका। ये जो तस्वीरें हम बता रहे हैं, ये तस्वीरें तीन वो लोग हैं एक ही परिवार के जिन्होंने अपने हाथों से कन्यादान तो दिया, लेकिन ये पता नहीं था कि ये कन्यादान एक दिन हमारे लिए मौत दान होगा। ये तस्वीरें देखकर आप जान चुके होंगे कि किस तरह से उसने तीनों को मौत के घाट उतार दिया। अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार अगर बात करें तो तीन लाशों का सामने होना, खासकर अगर बात करें तो जो रक्षक था वही बना भक्षक। जिस तरह से कहते हैं कि सात फेरे लेने के बाद कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज में ये बात होती है कि मैं अपनी पत्नी और पूरे परिवार की जो है रक्षा करूंगा, लेकिन ये वारदात सामने आने के बाद कहीं ना कहीं ये बात सामने आने के बाद पता चलता है कि रक्षक ही बना भक्षक। जी हाँ, जिसने परिवार की रक्षा करनी थी वो ही कहीं ना कहीं बना बक्सर, और कहीं ना कहीं अपनी पत्नी और अपने सास ससुर की ली जान। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सूत्रों के अनुसार ये भी पता चलता है कि इसकी दिमागी हालात ठीक नहीं थी, और एक तरफ से मिठाई लेकर जाना और दूसरी तरफ से अपने घर को जो ही प्रॉपर तरीके से गोलियों से बूंद कर निशाना बना देना, ये भी एक वारदात है। जेके न्यूज ब्रेक आपको नई अपडेट देने की कोशिश कर रहा है। देखिए किस तरह से लगातार तीन जो है आपके सामने जो है तीन जो है लाशें आपके सामने, एक ही आदमी जो कि रक्षक बना भक्षक। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं जब रिश्ते होते हैं और निभाने के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, और जब ग्राउंड में ऐसी वारदातें होती हैं तो कहीं ना कहीं समाज में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं त्रुटियां पाई जाती हैं। और खासकर इस व्यक्ति ने जिस तरह से एक अपनी औरत और सास ससुर को गोली से जो है उड़ा दिया। और ग्राउंड रिपोर्ट राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक जम्मू। आपको बयान दे सकता कि क्यों गोली मारी, कल की नहीं आज अभी अभी जब तक ये फैसला नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। लाशें यहाँ पे पड़ी रहेगी, चाहे आप हॉस्पिटल बंद कर दो, उसको बुलाओ, यहाँ पे फैसला होगा, ऐसे नहीं होगा कुछ भी। आज मेरे घर का मसला है, कल डीसी के घर का मसला भी हो जाए तो क्या करेगा डीसी, क्या बोलेगा मैं डीसी हूँ, मैं नहीं आ सकता। बुलाओ छोटे छोटे बच्चे कौन संभालेगा, डीसी ले जाएगा, डीसी डालेगा उनको, बड़े स्कूल में डालेगा, खर्चा तोड़ेगा उनका, ये क्या होगा। दो मिनट सोचा बजे थी, आज आप देखा नोट रहे, कल तक पहुंच जाओगे सभी। मीडिया पूरा आपकी मदद के लिए यहाँ खड़ा है, मीडिया हमेशा अपनी जनता के साथ खड़ा है। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को इंसाफ, सजा फांसी चाहिए उसको, और कुछ नहीं चाहिए उनको, सजा फांसी चाहिए। और जहाँ पे आके बंदा बयान दे करे क्यों गोली क्यों मरी, ताकि आप सबको पता चले कि गोली क्यों मरी। एक बार अखनूर में ये मसला हुआ था, उसका पता चला आपको क्या उसका मसला हल निकला था लास्ट में कुछ, पहले तो बड़ी छोटे भाई जी बंदे ने गोली मार दी, टीवी चलने मार दिया, क्या मसला हुआ उसको बताओ मेरे को, वो कुछ वही जो मारा गया बंदे को क्या होगी, सजा होगी उसको, क्या होगा क्या सस्पेंड हो जाएगा, तो बंदा मर थोड़ी जाएगा, सजा थोड़ी मेरे को 10 साल 14 साल के बाद आएगा, क्या होगा फिर से अपना काम काज स्टार्ट कर देगा। हमारे गाँव में ऐसा हुआ पहले केस, हमारे अलोरा गाँव में पहले भी केस ऐसा हुआ है, वहाँ पे बंदे बीच को मार दिया, क्या होगा अंदर खाने पाने को मिल रहा क्या आपको, खाना पाना मिल रहा है उसको, क्या प्रॉब्लम है उसको, सब कुछ मिल रहा है, सजा फांसी चाहिए कुछ नहीं चाहिए बंदे को, ऐसे बंदे को सजा फांसी। पहली बात वेपन गन में क्यों दिया, किसने दिया उसको, जिसने दिया वो भी सस्पेंड होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं ऊपर ऊपर तक बात जाती है, सब आफा दफा कर देते हैं, मीडिया मुडिया सब बिक जाती है, ये नहीं बॉडी गार्ड, ठीक है। जिसका बॉडी गार्ड था उस बंदे को पेश किया जाए,
इसका भाई रहते हैं ड्यूटी करते हैं कैसा बंदा था अभी हम शर्मा को पूछे जाए जो भी हो उसको बोलो कैसा बंदा मुझे हमारी फोन पे बात करने का डेढ़ साल से उसको निकाल दिया था बोलो क्यों निकाला था कहते इसकी हरकतें ठीक नहीं थी हरकत भी आपने कंप्लेंट की आप कौन सी पोजीशन में थे उसने कंप्लेंट की डिफॉल्टर था उसने कंप्लेन की इस बंदे को वेपन नहीं चाहिए हरकतें ठीक नहीं है इसकी उसने कुछ किया कंप्लेन की इसके खिलाफ कुछ नहीं किया क्यों सब एक दूसरे था एक थाली के कट्टे बटे हैं और कुछ नहीं हुआ मेरे तो पता उस बंदे को यहाँ पे पेश किया जाए फैसला हो तभी डेड बॉडी वहाँ से जाएगी मेरा तो बर्बाद ही है हम तो बर्बाद ही है हमारा तो कुछ बचा ही नहीं उसका क्या परिवार का साया मेरे के अंदर हो जाए तो माँ पापा दिखा रहे हैं परिवार चल रहा है सब कुछ ठीक है उसका घर में बेघर में क्या तीन लाशें पड़ी अपने बच्चे दो कौन संभालेगा उनको कौन देखेगा आपका मीडिया ने देखा या डीसी पी सी पी ने देखेगा कौन संभालेगा उनको बच्चे को हम दिहाड़ी लगाए उनको खिलाएंगे बताओ बताओ बोले तो ये इस वास्ते इंसाफ चाहिए हमें ठीक है।